हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मॉस्किटो कैचर और बग कैचर, जो एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। आज हम इसको रिव्यू करेंगे। मैंने और भी कई प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और उनको रिव्यू किया है, बट उसमें मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक शॉक मॉस्किटो लैम्प लिया था अमेज़ॉन प्राइम से, और मैं आज आपके लिए इसको रिव्यू करूंगी। हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और इसकी कुछ कमियां देखेंगे, जो जिस वजह से ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। आप इस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, ये आपको कितना हेल्प कर सकता है मॉस्किटो से बचने के लिए, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मॉस्किटो कैचर है जो मुझे इस बॉक्स में मिला। इसको मैं 3 हफ्ते से टेस्ट कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मच्छर भी आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इको फ्रेंडली मॉस्किटो कैचर है जो इलेक्ट्रिक शॉक से आपके मॉस्किटोज को मारता है। ये बॉडी हीट पे काम करता है, तो अगर आप कहीं बैठे हैं या लेटे हैं, ऑफिस स्पेस है, घर है, कार है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई मच्छर आपके आसपास होगा तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो इस मॉस्किटो कैचर में आ जाए और मर जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉस्किटो कैचर जिसमें अंदर स्टील की वायर है जिसमें करंट फ्लो होता है, और मच्छर जब इन दो वायर के बीच में आता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से शॉक से मर जाता है। इसमें एक आइसोलेशन भी है जिसकी वजह से ये एक सेफ प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। अगर बच्चे आपके घर में हैं तो वो इससे बिल्कुल सेफ रहेंगे, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक से मच्छरों को मारता है तो इसमें हेल्थ के लिए भी कोई हार्म नहीं है। आइए इसके कुछ और फीचर्स देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बॉक्स पे इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको बताती हूँ कि ये वाकई में कितने इफ़ेक्टिव हैं। पहला फीचर इसमें मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक मॉस्किटो। यस, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक शॉक मॉस्किटो किलर जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से मॉस्किटोज को मारता है। उसके बाद इसमें एक पर्पल लाइट निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा सूथिंग रहती है, आपको इरिटेट नहीं करेगी, और ये एक नाइट लैम्प की तरह भी लगता है। उसके बाद लो नॉइस रिडक्शन, इसमें बहुत ही कम नॉइस है जो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। उसके बाद इसमें एक पोर्टेबल हैंडल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कहीं इसको हैंग करने के लिए, और इसको आप टेबल पे भी रख सकते हैं जैसा कि मैंने रखा हुआ है। उसके बाद इसमें अराउंड 360 डिग्री, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री कवर करता है वायरिंग के साथ मॉस्किटो कैच करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, सो ये एक जैसे ही मच्छर आता है तो उसको ये इमीडिएटली किल कर देता है, सो ये एक अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों, मुझे इसमें कुछ कमी ये लगी कि अगर इसके साथ ही बैटरी देते तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता था। आप इसको एक पोर्टेबल मॉस्किटो कैचर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए मे बी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत के बिना आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे नहीं हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक बटन है जो कि काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो इसका यूज़ क्या था, बट ये काम नहीं कर रहा है, तो आई कांट एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस। इसके अलावा दोस्तों, हमें इसके साथ मिलता है कि USB चार्जिंग वायर जो आप यूज़ कर सकते हैं इस लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके साथ आपको कोई अडेप्टर नहीं मिला है, तो आपके लिए आपको इसके लिए कोई अडेप्टर परचेस करना होगा, या आपके पास कोई रखा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पर्पल लाइट इसमें से निकल रही है जो कि मॉस्किटो और बग्स को थोड़ा कैच करती है, और जैसा कि मैंने बताया, ये आइसोलेटेड कवर है प्लास्टिक का जिससे आप कोई शॉक नहीं लगता है। अगर आप रात में लेटे हैं और आपने इसको लगाया हुआ है तो आप कोई डर नहीं है कि आपको कोई शॉक लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, ये 60% तक आपके मॉस्किटोज कवर कर सकता है, आप इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा कि आपने इसको लगाया और सारे मच्छर मर जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ दूसरे सॉल्यूशंस का इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा।
पर आप इसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने अगर इसको एक डार्क स्पेस में रखा हुआ है तो ये कुछ समय में आपके 40-60% तक मच्छर आपके कैच कर सकता है। एंड दोस्तों इसके साथ एक ब्रश भी मिला है जो जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं तो आप इससे इसको क्लीन कर सकते हैं और इसको एक क्लीन मॉस्किटो कैचर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए यही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।